नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। अमरपुर शहर में प्रतिदिन कोरोना विस्फोट हो रही है, फिर भी आम लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। शनिवार के दिन अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान डुमरावा का एक, रामचंद्रपुर इटहरी का एक, पररिया का एक, बुल्हार का एक, सलेमपुर का दो एवं विदंचक गांव के चार लोग संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद भी आम लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क पहने आम लोग, दुकानदार व वाहन चालक नजर आ रहे हैं। बाजार में 90% लोग बिना मास्क लगाए खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में स्थिति भयावह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर प्रशासन, थानाध्यक्ष, वीडियो सीओ व अन्य अधिकारीगण आए दिन माइकिंग करते हुए आम लोगों को जागरूक करते हैं। अमरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न अवैध बालू घाटों पर बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत 11 ट्रैक्टर व एक लोडर जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान से जहां एक तरफ ग्रामीण सकते में दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ बालू माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी गई। जानकारी के अनुसार पुलिस वाहन क्षेत्र के भदरिया, खंजरपुर, हटी आदि घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत 11 ट्रैक्टर व एक लोडर जब्त किया गया। पुलिस वाहनों को देखते ही चालक फरार होने में कामयाब हो गया। खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान ने बताया कि सभी जब्त वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार चालकों व बालू खननों में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। बांका जिले के फुलीडुमर थाना क्षेत्र के इनावरण में शिवलाल मुर्मू की 25 वर्षीय बेटी तालो मुर्मू को उसके ही पति पंचायत के कैथादौल निवासी मुन्ना हंसा ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मुन्ना अधिकांश समय ससुराल में ही रहता था। पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से फोन से बात करने को लेकर विवाद चल रहा था, जो शनिवार को इतना बढ़ गया कि पति ने डंडे से सर पर वार कर पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। पिता शिवलाल मुर्मू ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य घर पर आए हुए अतिथियों के स्वागत में लगे थे और हम मवेशी को लेकर जंगल की ओर गए थे। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही शिवलाल घर पर आया और हत्यारा दामाद की खोजबीन करने लगा। बताया जाता है कि हत्या करने के बाद मुन्ना हंसा यज्ञ स्थल की तरफ भाग रहा था। कुछ ग्रामीणों के द्वारा उसका पीछा भी किया गया, लेकिन ग्रामीण पकड़ने में असफल रहे। घटना को लेकर ग्रामीण एवं परिजन स्तब्ध हैं। वहीं मृतक तालो मुर्मू का 3 वर्षीय पुत्र आशीष हंसा अपनी मां के पास बैठकर रोने के आवाज से माहौल गमगीन हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्ना हंसा सामाजिक गतिविधि भी संदिग्ध रहा। आखिरकार फोन से बात करने को लेकर विवाद हुआ या अन्य कोई मामला था, चूक अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली को मृतक के परिजनों के द्वारा दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण कर लाश को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा मधुबनी नरसंहार कांड को लेकर बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इशारे पर किए जाने को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही जब केस में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है का फैसला कर रहे हैं, तो फिर बिहार में पुलिस प्रशासन का क्या काम है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ही पुलिस प्रशासन में शामिल कर सभी केस सौंप दिए जाए। पुलिस अनुसंधान कर रही है, पूरे देश में कोई भी क्राइम होता है। अब सुशील मोदी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि राजेश यादव जी इन्वॉल्व हैं, तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर पुलिस बेकार हो गई है बिहार की, पुलिस अनुसंधान नहीं कर पा रही, सबको हटा के आप लोग बीजेपी के सभी वर्कर्स वहां आ जाइए और अनुसंधान करिए, और जो कल्पिट है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए। ये तो गजब बात है, पुलिस को अनुसंधान करने दीजिए। तो आप तो अपने सरकार के फेलियर को, क्राइम बढ़ते जा रहा है अपराध बिहार में, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि फल्ला इन्वॉल्व है। अरे पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए और पुलिस पर कड़ाई से कहिए कि जो भी अपराधी हो सलाखों के पीछे जाने। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।